जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जयकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के नंबर आ गए हैं, जैसे कि उम्मीद था नंबर अच्छा आएगा और उम्मीद यह भी था कि नंबर अच्छा आने के साथ साथ शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिलेगी। और रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली भी, देख सकते हैं 5% के आसपास तेजी देखने को मिली। अपर सर्किट लगा था, मैं आपको दिखाऊंगा इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा कुछ देर के लिए, लेकिन अब फिर मार्केट चूंकि क्लोज होने के टाइम ही लगा था तो तुरंत ज्यादातर अपर सर्किट चला नहीं और मार्केट उसके बाद क्लोज हो गया। तो संकेत यह है कि अपर सर्किट आगे भी लगेगा चूंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं, और उस रिजल्ट के बदौलत जब अपर सर्किट लगेगा तो शेयर प्राइस जो काफी नीचे चला गया है वो अब कहीं ना कहीं जाके उठने की यानी कि रिकवर करने की कोशिश करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आप बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि यदि आपका इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं ये गिरावट चूंकि एवरेजिंग करने का भी मौका दे रहा है तो क्या आपको इसमें एवरेजिंग करना चाहिए, और करना है तो किस लेवल पे एवरेजिंग करना है। साथ में नए व्यक्ति के लिए क्या अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में आपको दे देता हूँ। पहले ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग की सेवाएं देती थी, लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 2022 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसको एक्सचेंज की सदस्यता से निकालने की कार्रवाई की। उसके बाद अब ये कंपनी जो है अब फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ गई है, और जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस होती है यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी देती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक तो फाइनेंस के सेक्टर में भी कंपनी है और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी कंपनी है। तो ये जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का इस कंपनी का कॉम्बिनेशन है ये काफी धमाल मचाने वाला है आने वाले समय में। इस बात को आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। काम के बेसिस पर लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में तेजी बनेगी, साथ में कंपनी का फंडामेंटल में भी ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। यह भी बहुत अच्छा काम करेगा इस स्टॉक की ग्रोथ के लिए। तकरीबन 56 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, चूंकि शेयर के प्राइस गिरने से कम हो गया है, पहले मार्केट कैप ठीक ठाक हुआ करता था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस में तेजी आने लगी है तो ये मार्केट कैप फिर अब धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अच्छी बात यह कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, आपको इतनी गिरावट के बावजूद भी रिटर्न ऑन इक्विटी इतना हैवी देखने को मिल रहा है। इसका संकेत यह है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं बल्कि रिटर्न उस पर तगड़ा बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 साल का चार्ट ओपन कर दिया आपके सामने। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं प्राइस, देखिए हुआ क्या, चूंकि पेनी स्टॉक में ऑपरेटर्स का गेम होता है, प्राइस नीचे आ गया इसके लिए आपको घबराना नहीं है। होता यह है कि जब भी प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में होता है, इससे बाहर निकलता है तो प्राइस जाता है ऊपर, है यहाँ पे गया भी ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर प्राइस को नीचे ला दिया गया। हालांकि इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, 1 रुपए के लेवल के नीचे, लेकिन इसको लाया गया, ये आया नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। मुद्दे की बात ये कि कितना नीचे आएगा। देखिए ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 60 पैसा का लेवल। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे इसने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है, यानी कि अभी जो प्राइस आ रहा है नीचे, मान लीजिए बहुत नीचे आता है तो 60 पैसा के लेवल तक आ सकता है और फिर यहां से प्राइस उठने का यानी कि रिकवरी करने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए ना इसको उठने के लिए। वैसे भी जैसे मैंने बताया कि अब इसमें अपर सर्किट लगने लगा है, तो ये जो अपर सर्किट लगेगा प्राइस ऊपर जाएगा तो यही वो लेवल हो सकता है 60 पैसा का, जहां से प्राइस मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। हो सकता है कि टच ना भी करें, यहीं से प्राइस ऊपर उठने लगे। ऊपर उठेगा तो पहले ये 1 रुपए से लेके 1 रुपए 20 पैसे के लेवल में आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा समय बिताए, और फिर समय बिताएगा तो वो अच्छी बात होगी, और जब समय बिता के ऊपर निकलेगा 2 रुपए 20 पैसे के आसपास, जो इसका प्रीवियस हाई यहाँ तक इजिली पहुंच जाएगा। तो जो लोग फंसे हुए महसूस करें वो चाहे तो इस लेवल पे आने के बाद निकल सकते हैं, बाकी निकलने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। बाकी अगर आप एवरेजिंग करना भी चाहते हैं, जो प्राइस इस रेंज में आ जाए जिससे मैंने बताया 1 रुपए से लेके 1 रुपए 20 पैसे के बीच में, तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और कोई नया व्यक्ति यदि इसमें बाई करना चाहता है तो किस लेवल पे बाई करेगा, ध्यान से समझिए। जब 1 रुपए 20 पैसे के लेवल को प्राइस ऊपर निकाले उसके बाद आप यहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हैं नए व्यक्ति के लिए। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की बात करते हैं। सितंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है, देख सकते हैं 3 करोड़ 15 लाख का कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि अभी तक के इतिहास में कभी भी इतना हैवी सेल्स कंपनी का होते हुए नहीं दिखा है। ये दर्शाता है कि कंपनी का और जो फंडामेंटल है, जो मैनेजमेंट है, वो स्ट्रांग हो रहा है और इस कंपनी के काम की डिमांड बढ़ रही है, तब जाके कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और ये सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, यहाँ पे आपको देख के आश्चर्य होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ा है। पहले 35 लाख था, अभी 38 लाख, ज्यादा नहीं बढ़ा है प्रॉफिट। देखिए जब आप ज्यादा सेल्स होते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है, तो प्रॉफिट उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अभी भी कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट में, और अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कंपनी प्रॉफिट करके इस क्वार्टर में लेकर आई है। पहले के क्वार्टर में भी लगातार आप देख रहे हैं प्रॉफिट होते रहे और ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के शेयर प्राइस में
इजाफा होगा क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ठीक ठाक है। हालांकि पेनी स्टॉक के लिहाज से मैं बात करूँ, पेनी स्टॉक में आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर्स लगभग ना के बराबर होते हैं। यहाँ पे 4.25% के आसपास प्रमोटर्स हैं, थोड़े बहुत FII की हिस्सेदारी, क्योंकि ये फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस प्लस टेक, समझ रहे हैं बात, तो इसलिए यहाँ पे FII की हिस्सेदारी है, बाकी मेजर हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो यहाँ पे जिस कंपनी में प्रमोटर्स हैं FII, तो हमें तो बिल्कुल नहीं डरना या घबराना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में कंपनी के मालिक और जो विदेशी निवेशक हैं वो काफी मतलब ऐसा माना जाता है कि एजुकेटेड होते हैं हमसे और आपसे ज्यादा, तो वो कुछ सोच समझ के इसमें पैसे लगाए होंगे। तो हमें शिक्षित लोगों के साथ जो पैसा लगाए हुए ठीक ठाक स्टॉक में उनके साथ मिलकर पैसा कमाना है, न कि घबरा के बाहर निकल जाना है। तो जो लेवल मैंने दिए हैं इस स्टॉक के लिए उसका बस आपको ध्यान रखना है, बाकी डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, फिर आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।